दोस्तों, क्या आप भी भोपाल के मंडी द्वीप में जॉब पाना चाहते हैं? यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिनमें अक्सर कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और यहाँ पर रोजाना भर्तियां चलती हैं। तो अगर आप भी जॉब पाना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं यहाँ कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं और क्या क्या काम होता है, सैलरी कितनी रहती है, तो ये वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद और आप देख रहे हैं हिंदी हेल्प 24। दोस्तों, अगर आप भोपाल के किसी जिले से हैं या यूपी से हैं या बिहार से हैं या राजस्थान से हैं और आप यहां पर आकर मंडी द्वीप में किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको यहां पर बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे IEC इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्रैम्पटन ग्रेविस लिमिटेड, भास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान यार्न, HEG हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइड लिमिटेड और ऐसी ही ना जाने बहुत सारी कंपनियां आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं और इन कंपनियों में रोजाना नौकरी निकलती रहती है जिसमें आप काम कर सकते हैं। आप दोस्तों, अब हम बताते हैं कि इन कंपनियों में काम क्या होता है और उन कामों का कितना पैसा मिलता है। दोस्तों, मंडीदीप भोपाल में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें अगर आप काम करते हैं तो आने जाने के लिए कंपनियां बस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जिससे आप टाइम टू टाइम और आसानी से कंपनी में आ जा सकें। बहुत सी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनमें लंच की फैसिलिटी होती है, यानी आप दोपहर का खाना भी आप कंपनी में फ्री ऑफ कॉस्ट खा सकते हैं। मंडीदीप की हर कंपनी में ओवरटाइम रहता है। अगर आप ओवरटाइम करते हैं तो आपको उस ओवरटाइम का पैसा अलग से मिलता है। दोस्तों, अगर आप यहां पर कपड़े की फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो यहां पर कंपनी है भास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और एक और कंपनी है वर्धमान यार्न्स कंपनी। दोस्तों, यह कंपनियां कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, धागा बनाती हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो आप यहां पर सिलाई का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे प्रेसमैन का काम हो गया, धागा कटिंग का काम हो गया, लेयर लगाने का काम हो गया, कपड़े पर स्टिकर लगाने का काम हो गया, कपड़े पैकिंग का काम हो गया। तो यह आप काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपने किसी भी कंपनी में काम नहीं किया है, तो आप यहां पर हेल्पर की भी जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मंडीदीप भोपाल में जॉब पाना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कब कब कंपनियों में भर्ती निकलती हैं, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, ये सारी डिटेल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे ही कोई मंडीदीप कंपनी में भर्ती होती है या वैकेंसी निकलती है तो मैं आपको बता दूंगा और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, जो ठेकेदार होते हैं उनका, उनसे आप पता कर सकते हैं कि अभी वैकेंसी है या नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर हम बात करें वर्धमान यार्न कंपनी की, तो इस कंपनी में धागा बनता है। इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनको चलाना होता है। ये जो मशीनें हैं धागा बना रही होती हैं, उसको पूरा देखना होता है कहीं कोई धागा टूट तो नहीं रहा है, पूरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब धागा बन जाता है तो इसमें जो नलकी होती है उनको निकालना होता है और खाली नलकी को उसमें फिट करना होता है। यह भी काम आपको इस कंपनी में मिल सकता है। अगर हम बात करें इन कंपनियों में सैलरी कितनी रहती है, तो दोस्तों यहां पर जो अभी हम बात करें 2023 की, तो यहां पर जो सैलरी है वो 12,000 रुपए है और ओवर टाइम अलग से रहता है। दोस्तों, यहां पर दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट लिमिटेड, जिसमें ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनते हैं, कार्बन के फैब्रिक बनते हैं, जिनका उपयोग बिजली बनाने वाली कंपनियां करती हैं। दोस्तों, यहां पर थोड़ा मेहनत का काम होता है और इस कंपनी में सैलरी भी अधिक रहती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो इस कंपनी में 18,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की सैलरी आपको इस कंपनी में मिल सकती है।
दोस्तों अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और मंडीदीप में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर IEC इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी है, जिसमें आप काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस कंपनी में इंसुलेटर बनते हैं जो कि बिजली सब स्टेशन में काम आते हैं। बड़े बड़े बिजली के खंभों में यह इंसुलेटर लगते हैं। यहाँ पर थोड़ा मेहनत का काम है और इस काम में कपड़े गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलेटर चीनी मिट्टी के बनते हैं, तो जब बनाते हैं तो जो चीनी मिट्टी है वो कपड़ों पर लग जाती है। इस कंपनी में भी बहुत सारे वर्कर काम करते हैं और अगर आपको इस कंपनी में काम करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी में कितनी सैलरी मिलती है, तो इस कंपनी में जो सैलरी रहती है 15,000 रुपए से लेकर 20,000 तक की सैलरी आपको इस कंपनी में मिल सकती है। ओवर टाइम आपका अलग रहेगा। दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी है क्रैम्पटन ग्रेविस लिमिटेड। यह कंपनी बिजली के बहुत सारी मशीनें बनाती है जो कि बिजली के सब स्टेशन में काम आती हैं, जैसे बिजली के बड़े बड़े टावर के इंसुलेटर बनाना, जनरेटर बनाना, बिजली के पैनल बनाना, बिजली के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसका भी ये कंपनी निर्माण करती है। इस कंपनी में लगने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक से ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा अगर आपके पास होता है तो आपको ज्यादा सैलरी मिलती है। यहाँ पर सैलरी की अगर हम बात करें तो 20,000 रुपए से लेकर 60,000 तक की आपको सैलरी यहाँ पर मिल सकती है, और यह डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी है एंट्रीजेड हाइड्रो लिमिटेड। इस कंपनी में बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण होता है और ज्यादातर यहाँ पर वेल्डिंग का काम रहता है। तो अगर आप वेल्डर हैं, आपको वेल्डिंग करना आता है, मशीन चलाना आता है, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आपको जो सैलरी यहाँ पर मिलेगी वो 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे और भी काम होते हैं जिसके लिए हेल्पर की भी आवश्यकता होती है, तो आप यहाँ पर बतौर हेल्पर काम कर सकते हैं। दोस्तों मंडीदीप में एक कंपनी है वरुण बेवरेज लिमिटेड। इस कंपनी में पेप्सी के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप काम कर सकते हैं और यहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। यहाँ पर ज्यादातर जो काम होता है वो सारा का सारा ऑटोमेटिक वर्क होता है। यहाँ पर जो आपको काम मिलेगा वह पैकिंग का काम रहेगा, लोडिंग अनलोडिंग का काम रहेगा, और यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो 15,000 रुपए से लेकर 25,000 तक की आपको सैलरी मिल सकती है। दोस्तों ऐसी ही अनगिनत बहुत सारी कंपनियां हैं मंडीदीप भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया में, और यहां पर आप आकर जॉब पा सकते हैं। जॉब पाने का जो तरीका है वो सिंपल सा है। आपको यहां पर आना होता है और जो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो हर कंपनी के गेट पर होते हैं, उनसे पूछना होता है कि अभी इस कंपनी में वैकेंसी है या नहीं है। अगर वैकेंसी होती है तो वो बता देते हैं कि अभी वैकेंसी है, अपना रिज्यूम दे दीजिए और आपको जॉब मिल जाएगी। और वैसे भी जो कंपनी का गेट होता है वहां पर नोटिस बोर्ड लगा होता है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि इस कंपनी में वैकेंसी है। सिलाई कारीगर की है। हाँ 18,000-19,000 लिखी है मासिक बेस। ओवर टाइम कितना चलता है? ओवर टाइम भाई साहब रोज तो नहीं है, यहाँ पे 9 बजे से कारीगर 8 बजे छुट्टी। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसके द्वारा आप भोपाल के मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब पा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।